दो जो हैं वो हमने फूड नाइट बाजार खोलने का फैसला किया है, और जो कि सारी रात को खुले रहेंगे और सुबह वो सफाई जो है करके जाएंगे, ये ना हो कि गंद डाल के चले जाएं। अगर जो गंद डाल के जाएगा और उसमें हम हाई स्टैंडर्ड के कॉफ़ी शॉप्स और दूसरे लोगों को भी अलाउ करेंगे, और इसके लिए अच्छी जगह पर सारे इस्लामाबाद का पटवार खाना एक महीने में ख़त्म कर देंगे। नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद, नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद। और हमारी इस्लामाबाद की स्टैंप ड्यूटी 2% है। इंशाल्लाह ताला शेख हफीज साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर पाकिस्तान के मुकाबले में कितना जुल्म है कि यहाँ 2% स्टैंप ड्यूटी है जबकि सारे पाकिस्तान में 1% ड्यूटी है। इस पर हम काम करेंगे, जितने दिन लगे, महीना लगे, डेढ़ महीना लगे। ICT की तंजीम नौ की हिदायत की है और 8 महकमे जम कर दिए हैं, जो वैसे ही मेरा मतलब है फिशरीज भी है और गैर ज़रूरी जो है 8 महकमों को जम करने का फैसला किया। ये तो है ICT का। पॉलिटिकली कल मैंने गलती से, इतवार थी और मैं वैसे तो मैं आराम को हराम समझता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ बिलावल वज़ीर आज़म के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया, कुर्बान जाऊँ और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूँ। अगर आपने U19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। मेरे आपसे बड़े मरासम हैं कि अगर आपने कल जो नारे लगवाए हैं और फिर ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च होता है। सो कल उन्होंने कहा जी कि वो जाएंगे और मुर्तज़ा अब्बासी साहब वहाँ जाके इस्तीफ़ा फेंक देंगे। आप देखेंगे कि मुर्तज़ा अब्बासी साहब कहेंगे मैं तो देता ही नहीं, ये तो किसी ने, वो क्या नाम है हमारे अमीर मकाम साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मैंने उनको दिया था, उन्होंने मेरी दुश्मनी में यहाँ भेज दिया मुखालफत में। बाकी हुजूर ये मैं बहुत पहले कहता था और आप ये वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैंने इंटीरियर में आना है। मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस्तीफ़ों पे एक दफ़ा दोबारा गौर करेंगे, दोबारा गौर करेंगे। और जिन लोगों ने मरकज़ से टाइपराइटिंग में और कंप्यूटर से निकाल के इस्तीफे बनाए हैं वो इलीगल हैं, उसका कोई हैसियत नहीं है। हाथ से लिखना होता है कि मैं मसमी फलां, वल्द फलां, हल्का नंबर इतना, बगैर किसी दबाव के ये इस्तीफा दे रहा हूं। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफे भी नहीं होंगे और असल काम इनका होगा लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च नहीं, समझ गए ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ शेख साहब। और हमने जब ये डेट आएगी इनकी उस वक्त फैसला करेंगे। कल आसफ जरदारी साहब ने जेलों भरने की भी बात की है, जाहिर है वो जेल का ज़्यादा अरसा उन्होंने अस्पतालों में गुजारा है। आसफ जरदारी पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने कैद का मोस्टली वक्त हॉस्पिटल्स में गुजारा है और उनको पता है कि जेल के जो असरात हैं उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में क्या करते हैं, क्या की हुई है, PhD की है। उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है, उनको बेहतर पता है कि किस तरह जेल के सख्तियों से जान छुड़ानी है। और अब वो जेल भरों की बातें कर रहे हैं ये सारे लोग। लास्ट माई सेंटेंस, लड़ाई किसकी है, लेट मी से फिनिश। इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब के साथ है। इनकी लड़ाई ये है केस खत्म कर दें, इनकी लड़ाई ये है कि इनको बेहतर पता है कि वो मंजूर पापड़ वाला और वो दही भल्ले वाला और अरबों रुपए के जो इनके अकाउंट्स थे ये कह रहे हैं कि उसको भूल जाओ। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है, कोई भी फैसला कर सकता है, ये उसकी सवाबदीद है। मैं उसके मतहत वजीर हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ। अभी हमने मीटिंग नहीं की कि इनके लिए इस्तकबालिया कैंप कैसे लगाने हैं जब ये आएंगे। सो ना मुझे अभी हदायत मिली है कि इस्तकबालिया कैंप कहाँ कहाँ लगने हैं और कैसे लगाने हैं। मैंने तो चौकियाँ भी ख़त्म की हैं,
और इंशाअल्लाह ताला हम नई एक ईगल स्क्वाड लाने लगे हैं मोटरसाइकिल्स की। हम अपने अपनी जो PSDP है उस पर दोबारा गौर कर रहे हैं, और जो चौकियां हमने ख़त्म की हैं वहां हम IT की गाड़ियों समेत जो गाड़ियां पुलिस की वो लगाएंगे, ताकि लोगों को सहूलत भी रहे और तकलीफ भी ना हो। इधर से ये चाहिए था कि जो JUI की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, GHQ के सामने भी जाने की बातें की जा रही हैं, उस पर देखें। JUI को जितने उलमा हैं, यहाँ पे 450 मदरसे हैं इस्लामाबाद में, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, एक आधा छोड़ के सब पुरमन लोग हैं। अगर मस्जिदों के साथ मदरसे भी शामिल कर लिए जाएं तो वो 900 हो जाते हैं। और बाकी JUI की अपनी पार्टी के अंदर काफ़ी ले दे हो रही है। एक बयान जो मैं भूल गया, जो मैं आखिर में करना चाहता था, कि आज मैंने इनको हदायत की है ICT में कि सारे पाकिस्तान के साफियों के लिए एक हाउसिंग मंसूबा बनाया जाए, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी और प्रिंट मीडिया के लोग भी, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, जो मुंतखब लोग हैं उनको आप दरख्वास्तें दें, हम जगह का इंतखाब करके आपको इंशाअल्लाह ताला एक साफियों के लिए रिहायशी मंसूबा अनाउंस करने जा रहे हैं पाकिस्तान, और पैसे लेंगे, मुफ्त नहीं देंगे कोई। कल ये हाउसिंग सिर्फ साफियों की, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, कैमरा मैन भी सारे, कैमरा मैन सबसे पहले भाई हैं, फोटोग्राफ सब लोग। कल गड़ी खुदाबख्श में माजी के बदतरीन हरीफ जो है, देखें सियासत में ये क्या हरीफ है। देखें लोगों को यादाश्त पे जोर देना चाहिए, लोगों को यादाश्त पर जोर देना चाहिए। इस मुल्क में ये जो बातें कर रहे हैं, जब मैं बात करता हूं तो बाज़कात बहुत बहुत अफसर मुझे कहते हैं आप ऐसी बात करते हैं, ज़ियाउलक का क्यों नहीं नाम लेते, ये ज़ियाउलक के ताबेदारी इन्होंने ज़ियाउलक की, जूते इन्होंने ज़ियाउलक के साफ किए, पॉलिश ये ज़ियाउलक के पालशी और मालशी हैं, ये ज़ियाउलक के पालशी और मालशी हैं, और GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। पाकिस्तान की फौज अजीम फौज है, वो सियासत में ना थी ना है ना आएगी, जमहूरियत के साथ थी है और रहेगी। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा है गड़ी खुदाबख्श में मास्क वाइज स्टेज के तमाम पंडाल में किसी ने मास्क नहीं पहना था, एक तो बस पहले मैं तो पहन लूं। कौमी इमरजेंसी का मुतालबा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये दौरा में आ रहा है कि वहां पे इनके जलसों में PDM। देखें गुजारिश मेरी सुन लें, लोगों को भी सब कुछ पता है, इतना ज़बरदस्त मीडिया पाकिस्तान का, दुनिया में कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं आपको दावे से कहता हूँ कोई नहीं मुकाबला कर सकता। लोगों को तमीज़ है कि कोविड है, फैल रहा है, एक नई किस्म तीसरी किस्म आ गई है, तो अगर आप देखें लोगों को हम आप लोग समझा ही सकते हैं ना, तो वो समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी एजाज़, अभी मैं लेके जाऊँगा। दो साल तक इनको, दो साल तक एजाज साहब इनको चुप साई ने काटा हुआ था, इनको चुप साई ने रेगमाल का नंबर 8 लगाया हुआ था। दो साल इनका ख्याल था कि कोई चीज बीच में से निकलेगी, जब इनको कोई चीज नहीं मिली और पुख पांगड़े थे इश्क बनेरे, तो इनको सारी चीजें याद आ गई, फिर ये भाई भी बन गए। ये सारी बातें इस मुल्क में क्या होता रहा, 20 साल इस कौम के इन्होंने जाया किए हैं एक दूसरे के खिलाफ। और अब इमरान खान का क्या कसूर है, इमरान खान का एक ही नारा है, एक ही बात है, जेशक मुज़ाकरात हो ना हो NRO भी नहीं देगा, और NAB भी खत्म नहीं होगी, जो कानून और आइन उसका। जी बेटे देखें, मैं हाँ मैं आपसे ज्यादा समझता हूँ, 4 गुना मैं कोर्ट में नहीं खड़ा, अब मुझे पूछना होगा कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैं पेश हो सकता हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं होगी कि मैं बतौर वजीर दाखिला जाऊँगा।
अब वो ये कहते हैं कि फौजी शॉर्ट शॉर्ट सवाल करना, उन्होंने ये कहा कि मैं फिर ये जाऊंगा और अपना मुकदमा वहां लेकर जाऊंगा, फोरेंसिक करूंगा एसएसटी पे। ये मुर्तजा मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब का फैसला है कि वो मरियम नवाज की बात मानते हैं या वो तहकीकात कराने जाते हैं। मन अपना राजी नहीं है, जिस तरह दिल करता कर ले। मेरा तो दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है कि वो स्पीकर को कहेगा कि ये फ्रॉड हुआ है। एक मिनट जी बेटे, इसके भाई जी इस हवाले से नैब का दफ्तर खुला, उधर जाओ। आपने आज कानून की बात की, बहुत अच्छा फैसला, लेकिन करेंगे प्रेस क्लब वाले लोग, मुंतखब लोग, ग्रुप बाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अडियाला रोड में हमारी एक छोटी सी कॉलोनी है और मुस्लिम लीग नून का कब्जा ग्रुप। छोड़ो छोड़ो, मैं शौकत साहब, मैं तो आपको पॉश इलाके में दे के जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता कि उधर गुजर खान में देखे। मैं तो सहाफियों की हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए विद द कंसल्ट ऑफ प्रेस क्लब इनको आज मैंने एडवाइस दी है। ये 3 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, इंशाल्लाह ताला। हर आदमी चाहता है कि अच्छा काम छोड़ के जाए। आप इंटीरियर मिनिस्टर बन गए नवाज शरीफ को लाने के लिए, वज़ारत दाखला क्या? मुझे मैंने तो अभी ये भी नहीं देखा कि उसकी लास्ट पासपोर्ट की डेट कब खत्म हो रही है।